अरे ये क्या बहू, तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिए? अरे दूसरा महीना चल रहा है तुम्हें, पेट में तुम्हारे बच्चा पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। प्लीज मम्मी जी, ये इतना आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं होता है सिगरेट पीने से। अच्छा कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर ने क्यों मना किया है तुम्हें पीने से? या राइट, वो डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है, वो मुझे मना करेगा? और अब जाओ ना, अब जाके काम करो अपना, ये ज्ञानबाजी देने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है जो मर्जी करो। बेटा आ गए। हाँ मम्मी। मम्मी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना मम्मी। बहू को समझाओ, उसके पेट में बच्चा पल रहा है और वो दिन भर सिगरेट पे सिगरेट पीती रहती है, बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ बेटा हाँ। प्रियंका तुम्हारी सिगरेट वाली आदत जाएगी नहीं? ओ तो बेटे के घर आते ही माँ ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया ना। यार कैसी बातें कर रहे हो मम्मी के बारे में, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे बोल रहे हो मुझसे? मेरी मर्जी, मेरा जो मन है मैं वही करूंगी। अब तुम बदतमीजी करोगे मेरे साथ? तो मेरी तबीयत खराब है और चीख रहे हो मेरे ऊपर। जो करना है करो। क्या हुआ? तेज पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं 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 प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आप इसका ध्यान रखिए, मैं गाड़ी निकालता। अच्छा अच्छा ठीक तो हो ना बेटा? हाँ बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। रुको रुको रुको। आ गए? क्या बोला डॉक्टर ने? तुम दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला? मम्मी जी मैंने अपने बच्चा खो दिया। क्या कैसे हुआ ये? आपने कितनी बार मुझे बोला सिगरेट मत पियो, मैंने आपकी कभी नहीं सुनी, हमेशा अपने मन की करी, उसी का नतीजा भुगत रही हूं आज मैं। बेटा अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब रोने से क्या होगा, जो हो गया उसे भगवान की मर्जी मानकर भूलने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है ना। पर एक बात याद रखना बेटा, औरत जननी का रूप होती है, नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की उसमें शक्ति होती है। जब हमारी कोख में एक नन्ही सी जान पल रही हो तो उसकी रखवाली की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, ये नहीं कि ऐसे लापरवाही से। जी मम्मी जी मैं समझ रही हूँ, तो मुझे लगता है भगवान इसकी मुझे सजा जरूर देंगे। ऐसा मत कहो, भगवान बहुत दयालु है, अगर आज उसने तुमसे एक जिंदगी छीनी है ना तो देखना आने वाले टाइम में वो तुम्हें एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की ताकत भी देगा, तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। हौसला रखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो का सही मोरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनके पास ये मैसेज पहुँच सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए
तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ, ताकि हमारी टीम उस पर वीडियो बना सके और लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपको लगता है आपकी स्टोरी में दम है और आपकी स्टोरी लोगों को पता चलनी चाहिए तो जल्दी से भेजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।